ये आ गई भाई ट्रेन। एक मिनट में जाम लग जाता है भाई। ये देखो भाई मौसम हो गया बिल्कुल बारिश आने वाला, लेकिन भाई सुबह से आज गर्मी है। अगर थोड़ा बारिश आ भी जाएगा ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे नजर मारो भाई, कितना प्यारा हाईवे है। पर भाई हमने एक पहले अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की वीडियो डाली थी भाई, तो उसके ऊपर भाई हमने बताया था कि इस पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं भाई ट्रकों के डिवाइडर के साथ। लेकिन भाई इस हाईवे पे चलने के बाद है ना हमें सुकून मिला है भाई। इस हाईवे पे भाई हम बॉम्बे से लेके और वडोदरा तक कंटिन्यू चलते आ रहे हैं भाई। हमने कोई भी हादसा नहीं देखा है भाई इस रोड के ऊपर। और आप डिवाइडर की तरफ नज़र मारोगे ना भाई तो जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे डिवाइडर बना हुआ है ना उसी तरह का डिवाइडर बना हुआ है भाई। हाँ उस पर अभी पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं भाई, इसके ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो थोड़ा आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी, लेकिन सेम टू सेम उसी प्रकार से बनाया गया है भाई इसको भी ग्रिल लगा के, जैसे फोर लाइन पे डिवाइडर होता है ना वैसा डिवाइडर नहीं है भाई। और मौसम देखो भाई एक बार बिल्कुल ब्लैक मौसम हो गया भाई। देखो चारों तरफ ये लगे हुए हैं भाई कैमरे। लेकिन भाई अगर ये हाईवे अभी चल रहा है ना ऐसे ही अगर चलता रहा ना भाई, लेकिन एक बात है भाई अभी इस हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं ना तो आगे तो होंगे भी नहीं भाई। अभी आप बोलोगे क्यों भाई क्यों नहीं होंगे, तो भाई अभी कैमरे चालू नहीं है, मतलब कोई भी कानून नहीं है इस रोड पे। अभी आप कहीं भी घूमो इस रोड पे कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई आपका चलान नहीं होगा। जिस टाइम ये रोड चालू हो जाएगा ना भाई सब गाड़ियां अपनी लाइन में चलेंगी भाई, कोई एक दूसरे की लाइन में नहीं चलेगा, तब भाई और भी कम हादसे होंगे। ये देखा है भाई इस पे हमने आज तक, बहुत ही अच्छी बात है भाई। एक्सीडेंट तो जितने कम नजर आए ना भाई वही हमारे लिए खुशी है भाई। वीडियो भाई हम कोशिश यही रखेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम इसको दो पार्ट में डालेंगे भाई वीडियो को, दोनों पार्ट देखना भाई आप, आपको मज़ा आने वाला है। दोनों पार्ट देखोगे ना भाई आप तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रेस्ट एरिया बने हुए हैं और रेस्ट एरियों पे क्या क्या सुविधा है, और भाई पेट्रोल पंप चालू हुए हैं या नहीं हुए हैं, रेस्ट एरिया जो बने हुए हैं उन पे होटल हैं वो चालू हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो आपको दोनों पार्ट देखोगे ना भाई तब जाके पता चलेगा। अरे बोर्ड ऐसे लगे हुए हैं जो भाई मतलब हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए भाई, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि भाई इस हाईवे पे मैंने भी पहली बार है इस हाईवे पे ये बोर्ड देखे हैं भाई, जो चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन इस हाईवे पे चलेंगे ना भाई तो हमको वो चीज़ फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी भाई, वरना ये देखो पोल पे लगा हुआ है ना ये सब कुछ देख रहा है भाई, ये हमें करवा देगा फॉलो भाई अगर हम नहीं करेंगे तो भी। ये देखो भाई ये सब कुछ देख रहा है भाई, हम क्या कर रहे हैं कैसे चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं, हर 200 मीटर पे कैमरे लगे हुए हैं भाई। और अगर इस साइड आप नज़र मारोगे भाई तो बड़ा सारा समुंदर है भाई, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। लेकिन भाई इस साइड देखो एक कार वाला चल रहा है भाई धीरे धीरे,
वरना भाई हमारा पूरा पूरा मन था गाड़ी रोक के ड्रोन उड़ाने का, लेकिन ये कार वाले भाई साहब ने पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया भाई हमारा। इस साइड देखो भाई, जंगल एरिया है भाई ये थोड़ा, लेकिन भाई व्यू बहुत मस्त आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहे हैं भाई। अगर भाई आपको कुछ समझ में ना आए ना इस हाईवे पे, तो भाई आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे भाई ज़रूर ज़रूर। से लग रहा है भाई कि स्वर्गों में आ गए हैं। इस साइड भाई कोई इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आ रहा है, लेकिन भाई बोर्ड नहीं लगे हुए हैं कि एग्जिट के बोर्ड लगे हुए हैं बस, सिर्फ कि हाँ ये एग्जिट अहमदाबाद के लिए है, ये बड़ौदा के लिए है, ये सूरत के लिए, ऐसे एग्जिट लगे हुए हैं भाई। बाकी और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये शहर है, यहाँ पे ये शहर है, वो पता ही नहीं चल रहा है भाई। और मौसम हो गया भाई बहुत ही प्यारा, लेकिन बारिश नहीं हुआ है भाई, सुबह से बारिश बंद है भाई गुजरात में आज। लेकिन भाई अच्छा है बारिश बंद है, क्योंकि भाई बारिश के कारण है ना ट्रक वालों का काम मंदा हो गया है भाई। इसमें एक तो गाड़ियाँ लोड नहीं होती है भाई, ये गाड़ियाँ लोड हो जाती है तो किसी का माल बिक जाता है भाई, किसी की गाड़ियाँ लोड नहीं होती है, लेट होती है, अनलोड लेट होती है भाई, क्योंकि कहीं पे अनलोडिंग करते हैं ना भाई, वहाँ पे ऊपर शेड नहीं बने हुए हैं जिसके नीचे गाड़ी खड़ा करके अनलोड हो जाए, तो भाई ट्रक वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है भाई बारिश में। और बारिश में भाई आपको पता है रोड भी पूरे टूट जाते हैं। ये आ गया भाई अहमदाबाद वाला एग्जिट 250 मीटर, लेकिन भाई हम वहीं पे उतरेंगे जहाँ पे रोड बंद होगा। गाड़ी वाले टैंकर वाले की लापरवाही देखो भाई आप एक बार, गैस का टैंकर भाई। जो एक्सीडेंट होते हैं ना हाईवे पे, वो ऐसे ड्राइवरों की वजह से होते हैं भाई। हमारा ये नहीं है भाई कि हम सिर्फ और सिर्फ कार वालों को बोलते हैं, ट्रक वालों को नहीं बोलते हैं, लेकिन भाई हम ट्रक वालों की भी बोलते हैं। इस गाड़ी वाले की आपने लापरवाही देखी भाई, और हाथ में मोबाइल ले रखा है भाई, पर हमें इसके जैसा नहीं होना है भाई। अगर इसके जैसे होते तो हम इसकी साइड दाब सकते थे भाई, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे भाई। जो बड़ौदा से अहमदाबाद वाला एक्सप्रेसवे है ना भाई, उसके ऊपर जाके उतरेंगे भाई हम। और हल्का हल्का बारिश होने लग गया है भाई, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे उतरना है, इसको पूछ लेते हैं भाई कहाँ पे उतरना है। उस कड़ा उतरना जाना है इस एग्जिट पे, ये अहमदाबाद वाला नहीं, अहमदाबाद वाला आगे है। आपको कहाँ पे जाना, कहाँ पे है अहमदाबाद जाना है, ये आगे है, ये रोड बंद होगा ना वहाँ पे उतर जाना। यहाँ पे आ गई भाई चाय की दुकान है, हम थोड़ा चाय पी लेते हैं भाई अगर कोई। तो जी फ्रेंड्स, मौसम हो गया है भाई बिल्कुल ठंडा, क्योंकि तो बारिश आ गई है भाई। अभी अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलते रहेंगे कंटिन्यू। अगर बारिश नहीं होता ना भाई, फिर अपने को रुकना पड़ता, क्योंकि भाई एकदम इतना ज़्यादा गर्मी हो गया था, धूप निकल गया था भाई कि टायर गर्म होने लग गए थे। और ये जो पीछे टोल बना हुआ है ना भाई, ये बना हुआ है इस एक्सप्रेसवे के लिए, जो अहमदाबाद से गाड़ी आएगी या बड़ौदा से गाड़ी आएगी, एक्सप्रेसवे के ऊपर से गाड़ी चढ़ेगी ना भाई, तो यहाँ पे टोल नहीं बने हुए हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे नीचे बड़ौदा अहमदाबाद वाला एक्सप्रेसवे है, इसकी वजह से भाई यहाँ पे टोल बनाने के लिए जगह नहीं थी, इसके लिए भाई ये मेन रोड पर टोल बनाया गया है, क्योंकि भाई इनको भी तो टोल वसूल करना है ना। यहाँ पे गाड़ी चढ़ेगी ना भाई, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसलिए भाई फिर वो गाड़ी तो उतरेगी हाईवे से, नीचे उतरेगी भाई, तब पता कैसे चलेगा कि कहाँ से गाड़ी चढ़ाई है।
यहाँ पे अगर आप, अभी दिखाते हैं भाई आपको, यहाँ पे कोई टोल नहीं है भाई। ये आ गया भाई अहमदाबाद का एग्जिट, और सामने देखो भाई रोड बंद किया हुआ है। यहाँ तक आपको चलते आना है भाई, यहाँ पे आगे एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना है भाई। और ये नीचे जो हाईवे है ना भाई, ये जा रहा है अहमदाबाद और उस साइड जा रहा है भाई बड़ोदरा। लेकिन हमको लगा भाई हम गलत चढ़ गए, उतर गए, गलत नहीं उतरे हैं भाई, हम सही उतरे हैं, क्योंकि भाई इसी साइड है अहमदाबाद। ये देखो भाई, इसे जो अहमदाबाद बड़ौदा वाला एक्सप्रेसवे है ना, यहाँ पे कोई भी टोल टैक्स नहीं है भाई, इसलिए मेन रोड के ऊपर टोल बनाया गया है। ये भाई बीच में किसने डाल दिया डिब्बा, इतने लड़के खड़े हुए हैं भाई, 4 से 5 लड़के खड़े हुए थे, और रोड के बीच में डब्बा पड़ा है भाई, कोई नहीं उठा रहा है, और इनको चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए। तो भाई ऐसा तो हम भी नहीं करेंगे। तो हम आ गए हैं भाई बड़ौदा से अहमदाबाद वाले एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि भाई जो ये दिल्ली बॉम्बे वाला एक्सप्रेसवे था ना, ये यहाँ पे आके बंद हो जाता है भाई। और यहाँ से दिल्ली है भाई 948, उदयपुर 328, जयपुर है 668 किलोमीटर भाई। ये भी रोड भाई वैसा ही है एक्सप्रेसवे, लेकिन इसकी थोड़ी चौड़ाई कम है भाई। इस एक्सप्रेसवे में भाई आपको कोई होटल नज़र नहीं आएगा, कोई यूटर्न नहीं है। बड़ौदा से लेके अहमदाबाद तक 100 किलोमीटर में भाई यहाँ पे एक ही रेस्ट एरिया बना हुआ है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से चालू है भाई, क्योंकि ये सबसे पुराना एक्सप्रेसवे है भाई इंडिया के अंदर। और बारिश हो रही है भाई इसके ऊपर, तो भाई देखो आप डिवाइडर के बीच में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल हरे भरे नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो भाई हरियाली छाई हुई है। फॉर्चुनर देखो भाई कैसी हो गई है, बारिश में गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है भाई। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ साथ में भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना,